कुड़ कुड़ करेंगे सुबह देखेंगे अपने आप को व्लॉग में क्या नहीं होनी चाहिए सप्लाई सप्लाई अनलिमिटेड होनी चाहिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड अच्छा यस फोर मजाक कर रहा हूँ मम्मा बच्चे कैसे होते हैं और मतलब बताओ भला आरव कितना गंदा लग रहा है तुम्हारा शीशा मत करो ऐसे मुझे गुस्सा दिला रहा बंदर लग रहे हो वैसे भी तुम हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब रात का टाइम है इसलिए धीरे बोल रही हूँ अंदर जाके बोलूँगी वैसे अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए आई थी बाहर चेक करने के लिए क्योंकि आज शाम को बारिश हुई थी अंदर जाके बात करती हूँ कि कहीं और कुछ ऐसा तो नहीं है बाहर जो गीला हो जाएगा तो अरब के टॉयलेट्स पड़े हैं यहाँ पे इसके अंदर घुमा देती हूँ बाकी शाम को बारिश हुई थी प्लांट्स मेरे प्यारे प्यारे आज इन्होंने नहाई किए मतलब ऊपर सारे केश स्नान किया आज मेरे पौधों ने नहाते सीगे सारे नहाए सीगे देखो सारे साफ है सारी मिट्टी पड़ जाती है ना बहुत मिट्टी उड़ रही है आजकल सारे साफ है ये मेरे छोटे बेबी मेरे बड़े बड़े वाले बेबी और ये मेरा पाम ट्री है रात को प्लांट्स को हाथ नहीं लगाते सो रहे हैं बट प्यार आ गया मुझे दुखी मम्मी हूँ मैं उनकी चलो अंदर लाइटें वाइटें बंद करें पति देव सो रहे हैं वो देखिए बेटा भी थोड़ी सी रोटी उसकी पड़ी है क्या जल रहा है कोई कहो अब ये मत बोलना दी आवाज कम आ रही है मैं बोल ही रही हूँ धीरे तो आवाज ही कम आएगी आपको जा पति देव दिखा रही ये नो टर्न 2 मिनट यहाँ पे ज्यादा बैठेंगे तो कुड़ कुड़ करेंगे सुबह देखेंगे अपने आप को व्लॉग में एक्चुअली मैं वेट कर रही थी ये सो जाए फिर इनको तंग करूँगी शूट करके फिर सुबह कहेंगे भाई तूने मेरी वीडियो कब ले ली चलो ये भाई सो गए चलो उधर चलो गाइस वैसे यार अभी 2-3 मिनट इंट्रो मार लिया ऐसे ही रुक जाओ सुने देते हैं इनको नहीं तंग करते थंबनेल के लिए फोटो ले लेते चलो स्क्रीनशॉट ले लूँगी पाँच मिनट एक्चुअली मेरी रोटी पड़ी थी मैं बाहर हाँ लेट हो गया था आज चाय पड़ी थी एक्चुअली और थोड़ा सा आराम ने ना पूड़ा छोड़ दिया था हम लोग रोटी वोटी खा चुके हैं भाई चुप करो अब थोड़ी सी वॉल्यूम कम करो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब 3 मिनट वैसे ही यार वैसे इधर उधर का वैसे ही थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया ठीक है एंड आर को बना के दिया था सूजी का पुड़ा थोड़ा सा वो पुड़ा और मेरे एक कप चाय पड़ी हुई है चाय इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे मेरे साथ वाले कमरे में ना बहुत सारा थोड़ा सा स्किन केयर मैंने अपना डी क्लटर किया उसको मैंने अभी थोड़ा सा ठीक करना है तो वो मैं चलो वैसे ठीक करूँगी वीडियो में नहीं दिखाने वाली टाइम लगेगा उसमें और उसके बाद फिर हाँ आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नया बैकग्राउंड कुछ खास नहीं किया मिनिमल सा है बट स्टिल नया चेंज है कुछ नया है नहीं अभी नहीं बताना बाद में इनको दिखाएंगे हद होगी नए कर्टन्स हैं न्यू कलर है एक्सपेरिमेंटल है होप आप लोगों को पसंद आए
पता नहीं, अब देखते हैं इसके साथ मेकअप लुक्स वगैरह या इसके साथ वैसे दूसरी वीडियोज़ मेरी कैसे जाती हैं, ट्राई ऑन हॉल्स कैसे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट किया है, अमेजोन से ही मंगवाया, आपको बाद में दिखाती हूँ अभी, ठीक है, अभी बाद में दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा वैसे मेरे को बात बात मेरा मन कर रहा था करने का। और आरके पापा यार वैसे वैसे हो रहे थे, उनको वैसे थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली। चलो बाय, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और सारा कुछ इतना रेड रेड क्यों लग रहा है यार? अगर आपको ये जानना है कि मैंने नाइट सूट कौन सा डाला है, जिवामे का नाइट सूट है, ठीक है, मैंने अपने जिवामे हॉल में आप लोग साथ शेयर किया था। वाह बेटा, हाँ सब कुछ रेड है, मेरे कुशंस भी रेड है, मेरा कप भी रेड है। बट्टा मार दी, सुना इनको कुछ, सुना आपने वो जो तेरे कार्टून में बोलते हैं, बेटे मौज कर दी, उठ के सुना, बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, ला सैल बा तन ता, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। सीधा बोल, त त त त त त की करदा मैं, बोल ऐसे बोल, बोल तो दियो भाई साहब, दोबारा बोल, बेटे मौज कर दी, वाह वाह बेटे वाह, तुम तो बड़ा हैवी ड्राइवर हो, बोल दिया चांदी। वाह बेटे वाह वाह, तुम तो बड़ा हैवी ड्राइवर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, वाह बेटे मौज कर ली। ये हम लोग भी ना एक्चुअली थोड़ी सी आदत पगी है, मैं और आरव के पापा भी हम आपस में बोलते रहते हैं, वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, हैवी ड्राइवर निकले बोलता ना तू, मौज कर ली। कल क्या हुआ? ओ शिट, वो ना शूट करने वाली चीज़ थी, आपको बताती हूँ। कल ना आरव के पापा ना अपना काम कर रहे थे, मतलब बड़ी सुबह से लगे हुए थे, अपनी कोई लिस्ट वगैरह, उनको डॉक्टर लिस्ट अपनी रेडी करनी थी, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उनको अपनी ना डॉक्टर लिस्ट रेडी करनी थी। आपको आवाज़ भी आ रही है? आ रहे तो अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर। तो उनको ना अपनी डॉक्टर लिस्ट रेडी करनी थी, लगे हैं सुबह से अपनी लिस्ट वगैरह बनाने एक ही जगह पे बैठ के। तो जब रात तक होगी ना, तो आरव कहते हाय मेरे पापा कितनी मेहनत करे, पापा आप छोड़ दो, थक जाओगे, आपकी आईज पेन करेंगे, आप उतनी देर से लगे। मैं कहे बेटा कोई बात नहीं, करने दे पापा को, वैसे भी तो पापा फ़ोन पे ही लगे रहते, फेसबुक इंस्टाग्राम भी चलाते रहते, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चलाते रहते, आज थोड़ा सा काम कर लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि वो डेली वो लिस्ट वाला काम नहीं होता, वो रेयरली कभी महीने में एक बार बनानी होती है। मुझे कहता है क्या बोला था तूने पापा के बारे में, फिर जब मैंने तुझे बोला था कि पापा कोई बात नहीं करने दे काम, फिर क्या हो गया? गजब बेइज्जती। तो कहते मैंने बोला मैं तो रोज ही काम करती हूँ इतना, तो फिर इसने क्या बोला था, कहता क्या बोला था, क्या गजब बेइज्जती, तब पापा गजब बेइज्जती। हम पागल हो गए हंस हंस कर, उनके पापा बोल रहे हैं। बच्चे कैसे कैसे वर्ड्स ढूंढ लेते हैं यार, हम इनकी उम्र में, हमें क्या आता था, लेकिन कुछ नहीं आता था इसकी उम्र में, मैसे तो नहीं थे, मतलब समझ रहा, ये यूट्यूब वीडियोस, ये वो कार्टून देख देख के ही ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं और क्या। चलो गाइस, खा लिया मैंने, सूजी का पूड़ा था, इसमें जस्ट मैंने राई, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी और दही डाली हुई थी, बाकी गाजर डाल दी थी मैंने इसके अंदर, और प्याज डाल दिया था। जैसे अप्पे वड़े बनते ना, एक्चुअली बनाया अप्पे वड़े ही थे, अप्पे वड़े एक बार बना लिए थे, खा लिए थे, उसका बैटर थोड़ा सा बच गया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पूड़ा बना लिया। बाय। मुँह कितना गंदा गंदा लग रहा मेरा, अभी मुँह धोऊंगी सोने से पहले, पहले आपको वो दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह नहाई थी आज, आज मैं नहा लिया था मैंने सुबह ही 10-11 बजे। नहाने के बाद फिर सुबह से मुंह ही नहीं धोया मैंने, देखो सोने से पहले धोऊंगी, क्रीम वगैरह लगाऊंगी। अभी चलो उसे दिखाऊँ, रूम दिखाऊँ अपना, होप आपको पसंद आए, कमेंट डाउन ज़रूर करना कि आपको बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का सजेशन है, 9 मिनट खा गए मैंने, आप लोगों का सजेशन सच्ची में मैटर करता है यार, मतलब आप ही लोग देखते हो वीडियोज़, आप ही लोग देखते हो, आपको दिखने में कैसा लग रहा है। बहुत मिनिमल रखा है यार मैंने, बहुत मिनिमल, बहुत ऐसा रखा है जिसको हम कैरी कर सके, जिसको सब कोई कैरी कर सके, ये नहीं कि मैंने वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगा लिए, बहुत सारी मैंने लाइट्स लगा ली, क्योंकि डेली बेसिस पे यार लाइट लगती नहीं है, फिर वो गंदी सी वाइट कलर की तार नज़र आती रहती है,
बैकग्राउंड दिखाती हूँ आपको। बहुत बकबक कर ली बेटे तूने, 9:30 भाग जाना उन्होंने। वैसे भी आजकल चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, मुझे बड़े कम व्यूज आ रहे हैं। देख ही नहीं रहे यार अभी हम लोगों को, पता नहीं क्या हो गया, नाराज हो गए। अच्छा कंटेंट लेब कहाँ से लेके आए? फ्रूट चैलेंज कर लेती हूँ और तुम्हें कुछ नहीं करने। ये मैगी मुगी चैलेंज नहीं मैं करने वाली। मैगी मैं तो करूंगा वो चिप्स चैलेंज जो जिसमें वो घुमा वो कावर रखते हैं जिसका नाम आता है वो चैलेंज करता है। सारा दिन तेरे चिप्स खाने को मिल जाना ना, दिमाग देख रहे हो इनका, फितूरी दिमाग। मैं 2 मिनट में सारा चिप्स खत्म करने पड़ेंगे। देखो भला हाय रब्बा गाइस, मैं ना अगर कोई चैलेंज करूंगी ना, मेरा मन करा मैं फ्रूट चैलेंज कर लूँ, सारा दिन फ्रूट खाती रहूंगी। ठीक है इसी बहाने थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा। करूँ क्या फ्रूट चैलेंज? पर क्या है उसमें, फ्रूट ही खाने हैं? नहीं उसमें क्या चैलेंज हुआ वैसे? दो मिनट में मतलब 1 मिनट में बहुत सारे फ्रूट खाने पड़ेंगे, ये होएगा ना? ऐसे होते हैं चैलेंज? नहीं ये वैसा नहीं है, ये पता क्या चैलेंज है, 24 आवर्स में आप फ्रूट खाने, मतलब आपको 24 आवर्स वाला फ्रूट वाला चैलेंज है। मेरा हाथ लग गया था रिमोट पे, बंद हो गया। नहीं स्विच चलाता, सेट करो बेटा तुम, बंद कर दो टीवी, ज़्यादा मत बनो। ठीक है गाइस चलो मैं आपको उधर बैकग्राउंड दिखाती हूँ। एंड यही था मेरा, आज बात करने का मन कर रहा था और कुछ नहीं, इसलिए मैंने ऑन कर लिया, अदरवाइज कंटेंट तो कुछ भी नहीं है। हम बहुत सारे चैलेंज करेंगे कल, वो फ्रूट वाला नहीं रहने दो, वो फ्रूट वाला नहीं, मेरे चिप्स कर ली, चिप्स वाला। हाँ चिप्स चैलेंज, सारे दिन चिप्स खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, ऐसा वाला करें, केक खाते अलग अलग तरीके के, है ना? है ना? हाँ आगे नहीं, मेरे से वेट कम हो रहा और तुम, और तुमको उल्ट पटांग चीजें सूझ रही हैं। मैं फ्रूट चैलेंज करूंगी, मैं कोई मैगी वैगी चैलेंज नहीं करने अच्छा, वाली लेकिन मैं कोई वैसा वाला चैलेंज करने वाली जिससे और ज्यादा मेरा वेट इन, मतलब समझ अच्छा, मैं भी करूंगा अपना चैलेंज, ऐसा करूंगी जिसमें लाइक मुझे बेनिफिट भी हो कहीं ना कहीं। ठीक है ना, चलो फिर कमेंट डाउन करना अगर आप चाहते हो मैं फ्रूट चैलेंज करूं, क्योंकि है उसमें कुछ नहीं, वैसे सारा दिन फ्रूट ही खाना है, पर उसमें क्या चैलेंज? आप बताओ कि जिस मैंने ऐसे से कभी किया नहीं है कि सारा दिन फ्रूट कि मैं चैलेंज करूं क्या? तो वो अगर जिस जो जो चाहता है कि मैं वो चैलेंज करूं अपना, तो बताओ कि सारे जिन्होंने करवाना है मेरे से वो करें सब्सक्राइब एंड लाइक, सब्सक्राइब और टारगेट सब्सक्राइब करो। कल से बोला था पापा आपने, कल से ना पापा इसकी मेहनत कर रहे थे, बता तो दिया आपको स्टार्टिंग में, 2 बोतलें पानी की रखे, मैं कहा भाई उधर 2 बोतलें क्यों रखे हैं पानी की, कहते पापा को ना पानी की क्या नहीं होनी चाहिए, सप्लाई अनलिमिटेड होनी चाहिए, देखता है ना गाइज अपने यूट्यूब के चैनल्स, ये जो टारगेट कार्टून्स वाले, ये जो ये बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं मिलियंस में जिनके होते हैं, जब आपको पता है वो टारगेट्स रखते हैं, लाइक आज 50,000 लाइक्स करना, भाई अगर मेरे को 5,000 बंदा देख लेना उतना ही बहुत है, लाइक्स तो चलो छोड़ दो दूर की बात है, मैंने बेटा 3 साल में कभी इतने लाइक्स ऐसे नहीं मांगे। जिसको वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक कर दो, जिसको नहीं अच्छी लगती मर्ची है ना, आप मेरे को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। रखने जी मैं ऐसा कभी नहीं, जब मम्मा 10,000 जब मैं ऐसे कभी नहीं करती बेटा, जब मम्मा के पास गोल्डन बटन आएगा तब हम एक चीज का व्लॉग करेंगे, बताएंगे आपको क्या पता किसका। हाँ बोले PS4 मजाक कर रहा हूँ मम्मा। बच्चे कैसे होते हैं और मतलब बताओ भला, गोल्डन प्ले बटन मेरे को आ रहा है, नहीं तेरा इसमें PS4 कहाँ से आ गया भाई? मैं 1 रुपया नहीं खर्च करने वाली ये फालतू के गेमों में। ऑलरेडी यू हैव अ नेटफ्लिक्स, ऑलरेडी यू हैव अ यूट्यूब, गूगल प्ले, लो रुको तुम इनको दिखाने दो क्या इसके, ये सोनी का टीवी है, दिखेगा नहीं ना, अब बैक कैमरा से दिखाते हो।
गाइस, ये है मेरा नया बैकग्राउंड। होप आप लोगों को पसंद आए। बहुत मिनिमलिस्टिक सा, बहुत मिनिमल सा, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने किया। जस्ट मैंने ग्रे कलर के कर्टन्स ऑर्डर प्लेस किए हैं। सब कुछ नज़दीक से आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो वो डियर से छोटे छोटे वो दिखा रही हूँ बेटा, रुक जाओ। पहले तो गाइस, ये आप ऑलरेडी, आपको पता है, ये मेरे लोकल मार्केट से मैंने लिया है, लोकल मार्केट से लिया है, लोकल मार्केट से लिया है, ये भी लोकल मार्केट से लिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे स्किन केयर होता है। वीडियो में दिखाने के लिए अभी मैंने उठा दिया है, वैसे वीडियोस में नजर आता नहीं आपको। दो टोकरीज भर भर के मेरे यहाँ पे स्किन केयर है। जिन लोगों ने मेरे को लास्ट कोई ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा। यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे प्लांटर ऐड कर दिया। ये ओरिजिनल है मनी प्लांट्स, ठीक है। जैम की है यार, शीशी किसान जैम की। ये आपको पता है, ये होम सेंटर का, ठीक है। एंड फिर वो किसान एंड गाइस, ये आप देख सकते हो, ये बुद्धा जी, और ये मैंने खुद मंगवाए थे बुद्धा जी, बहुत साल से यहीं पे इसी रूम में मैं रखती हूँ। और ये गणेश जी, ये भाई लेके आया था मेरे लिए, मेरे काम वाले कमरे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करती हूँ बस उसी रूम के लिए लेके आया था, तो यहीं पे मैंने रखे हुए हैं। और इट्स इन अ वुडन ट्रे, और बहुत मिनिमलिस्टिक सैर। ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, मेरे पास मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। और ये घर एक मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाया था, ऑनलाइन ही मंगवाया था मैंने, इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि मुझे अपना घर लेना है। सपना है मेरा कि मैं अपना घर खरीदूँ, यू नो, बड़ा सा बंगलो टाइप्स। तो चलो देखते हैं कब पूरा होता है। एनीवेज, परफ्यूम्स पड़ी हैं बस भैया, मेरे पास इतनी दो तीन ही परफ्यूम्स हैं, एवं बस इसमें बाउल में रख दी, कुछ ऐसा खास नहीं। और ये देखो कांच की ट्रे है, और उसके अंदर बस समथिंग यार क्या डेली वाली चीज़ें हैं, सीरम हो गया, हेयर सीरम हो गया, फेशियल फेस वाला सीरम हो गया, लिप बाम होगी, बेसिक वाली चीज़ें हैं। एंड बस ये कर्टन्स आपको नज़दीक से मैं दिखाती हूँ। चलते हैं इस तरफ। ये गाइस आपको दिखाऊंगी कभी किसी दिन, मेकअप वेकअप है मेरा इसके अंदर सारा, सब कुछ सेट वेट किया हुआ है। एक पैकेट पड़ा है लिपस्टिक्स हैं, बट इसके अंदर कुछ है, दिखाऊंगी आपको किसी और दिन। अब ये सब कुछ छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी मैंने एक मंगवाया था, ये कर्टन्स को टाई करने के लिए, बट मैं अभी यूज नहीं कर रही इनको। चलो लिव इट। ये गाइस मैंने डियर्स मंगवाए हैं, ये ऑनलाइन मुझे बहुत क्लासी लगा ये वाला पीस, बहुत ही ज़्यादा मुझे क्लासी लगा। ये है आरफ के पापा, ये आरफ की मम्मा, और ये आरफ, हम दोनों आरफ को कुछ समझा रहे हैं, तो आरफ समझ रहा है हमसे, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये गाइस होम सेंटर का है ये वाला प्लांटर ग्रे कलर में, जो पूरा मैंने मम्मा, और ये उसके अंदर ओरिजिनल मनी प्लांट है। रुको बेटा, तुम्हारी बारी भी आएगी बताने की, एक बार मैं इनको बता दूं, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। और ये फेरी लाइट्स लगी हुई है, ये मेरे बुद्धा जी, आपको लग ही रहा होगा कि शक्तियां ले रहे हैं कुछ, वो मेडिटेशन करके शक्तियां ले रहे हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत ब्यूटीफुल पोज है, एंड मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। एंड आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुद्धा जी आपको पता है मैं बिलीव करती हूँ इस कॉन्सेप्ट में, तो मेरे रूम में आपको, मेरे घर में आपको दिखेगा, ठीक है। जब से मैंने दो तीन सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू किया ना फॉलो अप करना, लाइक जब से यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तब से मैं बुद्धा जी को भी फॉलो करती हूँ। मतलब उनकी टीचिंग्स मुझे अच्छी लगती है, मैं पढ़ती हूँ उनके कोर्स वगैरह, पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत छोटा सा मिनिमलिस्टिक सा कॉर्नर, कैसा लगा कॉमेंट डाउन करना। या कर्टन्स दिखा दूं, पीछे लाइट्स है। ये तो बेटा वैसी लाइट पीछे लग गई थी, ठीक है ना, आगे पीछे तो इनको नजर आ रही है, अदरवाइज बस ये हल्की सी देखो लाइट सी लगी हुई यहाँ पे, फिर लाइट्स। अच्छा, ये गाइज एम्बॉस प्रिंट सा बोलते हैं ना इसको, मुझे इतना ही नहीं एग्जैक्टली पता, बस ये ग्रे कलर के हैं। फोर सेट मैंने मंगवाए हैं, लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं। दो चार पर्दे लगे हैं वहां पे, एक दो तीन एंड चार, चार कर्टन्स लगे हैं, ठीक है। 4x7 सात फिट इनकी हाइट है, और चार फिट इनकी चौड़ाई है, 4x7 बोला ना मैंने आपको, ठीक है। चलो अब आप खड़े हो यहां पे,
अब आप बोलो, आपको क्या बोलना था जो मैं आपको चुप करवा रहा हूँ। वो सेट मैंने पूरा किया, पूरा सेट मैंने किया। अच्छा, इसको क्रेडिट दे देते भाई, मैंने रख दिया था इसको ऐसे, ठीक है। तो इसने बोला ये गलत है, ये आपने कैसे रख दिया इसको, तो मैंने बोला क्या रख दिया, गलत है। तो इसने फिर इसको सेट किया, करो आप सेट ऐसे। हाँ, फिर इसने अपनी थ्योरी भी दी थी थोड़ा सा, जिसको मैंने अग्री किया, मैंने बोला हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है। फिर बाद में मैंने जाके अमेजोन पे चेक किया, सच में इन्होंने ऐसे प्लेस किया हुआ था। अब ये क्या है थ्योरी भाई, गिरा मत दें, तोड़ मत दें, अभी तो वीडियो भी नहीं बनाई इसमें मैंने। थ्योरी क्या दी थी तुमने, तो भी वो ऐसे ही रखना। नहीं नहीं, तुमने क्या बोला था कि मम्मी पापा जैसे समझा रहे हैं, क्या बोल रहा था तू? कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ आपके पास और कुछ बात करूँ आपसे, ये। अच्छा, ये कह रहा था, वेरी गुड। ठीक है, चलो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा नया बैकग्राउंड बताना जरूर। और यहाँ पे तो अभी बस दिखाने के लिए आपको रखा है, यहाँ पे दो चीजें, अदरवाइज ये मैं यहीं पे रख दूंगी, इनको थोड़ा सा उधर वो करके, एंड यहाँ पे मेरे स्किन केयर वाली दो बड़ी बड़ी वाली टोकरीज आ जाएंगी। ठीक है, अभी उनको सॉर्ट आउट करना था इसलिए मैंने अभी इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया। तो यहाँ और ये रग बाई चांस आर के कमरे में होता है, इसके साथ मैच कर गया तो मैंने यहाँ पे रख लिया। चला रहे वहां पे खड़े होना, देखना जरा कैसी आ रही है, मतलब लुक कैसी आ रही है। चप्पल उतार दो। हाँ बेटा, चप्पल उतार दो। बाकी देखो ये लोग बताएंगे। ठीक है, चलो फिर बाय। अरब आप अपने कमरे में चलो, मैंने थोड़ा सा मुंह धो के क्रीम लगा के मैं आती हूँ फटाफट से। गाइज एक बार मैं आपको दिखा दूँ, जब मैं ट्राई एंड हॉल करूंगी तो आपको कुछ इस तरह से ये प्लांट यहाँ पे दिखेगा, मतलब मैं यहाँ पे इसको रखने वाली हूँ बेसिकली। ठीक है, कुछ इस हिसाब से ये दिख रहा है आपको पूरा फ्रेम, आपको कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तैयार मेरी बेसिकली स्किन केयर्स आ जाएंगी जो मैं अभी दो टोकरीज रख दूंगी यहाँ पे। गाइस अब मैं अपने बाथरूम में आ गई और आरव को भेज दिया था मैंने, मैंने बोला कि जाओ आप जाके सो जाओ, आपका काम हो चुका है, मैंने सिर्फ अपनी 5 मिनट वाली स्किन केयर करनी है, उसके बाद मैं आती हूँ। फिर जा नहीं रहा था, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से भेजा, मैंने बोला जाओ। कई बार वैसे उसका मन करता है कि नहीं मम्मा हम साथ में सोएंगे बातें करते करते। एल्प्स गुडनेस का चारकोल फेस वॉश है, ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। चारकोल अच्छी तरह से आपकी स्किन को ना क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो चाहे मैं जितना मर्जी थक जाऊं गाइस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ना मतलब अच्छी तरह से अपनी स्किन को क्लीन करके मॉइस्चराइज करके ही सोऊं। ये आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप देख लो मैंने यहाँ पे मेकअप नहीं किया था। इट्स नॉट दैट कि मैं जब मेकअप करूँगी तभी मैं अपनी रात वाली स्किन केयर करती हूँ, कर लेती हूँ मैं रात वाली स्किन केयर भी। आपने देखा मैं सुबह से नहाई हुई थी 10-11 बजे से, तो रात तक आपको पता होता है यार थोड़ा सा स्किन अजीब सी मैली मैली सी लगती है, तो अच्छी तरह से उसको क्लीन कर लो। तो फिर बस और क्या, आप अपनी स्किन के लिए थोड़ा सा बस 5 मिनट निकालो, स्किन भी आपको वापस में अच्छा ही रिस्पॉन्स देती है। और क्या, फेस वॉश मैंने कर लिया और एंड अब मौसम चेंज हो गया ना, तो अब रात को अच्छी तरह से फेस वगैरह क्लीन कर लो, ठंडा ठंडा पानी नहीं लगता, अब नॉर्मल लगता है। मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर ले लिया, टोनर मत मिस किया करो यार, टोनर लगाने से ना पोर्स मिनिमाइज होते हैं, स्किन हाइड्रेटेड सी लगती है, और गुड वाइब्स के टोनर्स अच्छे हैं, आप कोई भी ट्राई करो अपने स्किन की नीड के अकॉर्डिंग, बट अच्छे हैं गुड वाइब्स के टोनर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा, मतलब ये सीरम था, ये काफ़ी अच्छा सीरम था यार, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया इसका टेक्सचर, इमल्सिफिकेशन समथिंग है इसमें, नहीं मतलब एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग इमल जेल फेस सीरम है, मतलब इसके अंदर ना अलग ही इसका टेक्सचर, मुझे काफ़ी पसंद आया इसका टेक्सचर ही, बहुत गुई गुई से इसका टेक्सचर है। और एलोवेरा मतलब अब समर्स आ चुके हैं, तो समर्स में आप ऐसे वाले इन्ग्रीडियंट्स ट्राई करने शुरू करो जो आपकी स्किन के ऊपर लाइट हों, समझ रहे हो, बहुत हैवी ना हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डर्म डॉग की ये क्रीम, और ये ना हेयालुरोनिक एसिड वाली क्रीम थी, आपको पता है कि हेयालुरोनिक एसिड हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारी स्किन उसके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी होता है, तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ये वो करेगा, मतलब हाइड्रेट करेगा। तो इस समय आप ऐसे अब इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने शुरू कर दो जो आपकी स्किन को मैक्सिमम हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। एंड गाइस ये जो क्रीम है ना, ये आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम या पता नहीं सेकंड टाइम अप्लाई की है, काफ़ी पसंद आई, अब मैं इसको थोड़ा सा रेगुलर अप्लाई करूँगी। आई थिंक मैंने पहले एक बार यूज़ की हुई है, एक दो बार मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन अब मैं इस क्रीम को रेगुलर यूज़ करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी रिजल्ट। ठीक है,
एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल के लिप बाम, बहुत अच्छी वाली पर्पल के लिप बाम है। और पैकेजिंग आप देख रहे हो कितनी क्यूट सी है, एकदम ब्लैक कलर की छोटी सी पैकेजिंग है इसकी, क्यूट सी पैकेजिंग भी इनकी ये वाली, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी जेल बॉडी लोशन। बॉडी लोशन ना गर्मियों में लगाना छोड़ना नहीं है आपने, बॉडी लोशन आप ज़रूर लगाया करो, जेल बेस्ड पे आ जाओ, समझ रहे हो। क्रेम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आपको नहीं लगाना आपने गर्मियों में, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिप ना करे या फिर क्योंकि मौसम बदल गया, तो आप जेल वाले प्रोडक्ट यूज़ करो। ये वाला जो बॉडी लोशन है ये मैंने अभी अभी आपको पर्पल हॉल में दिखाया था, कसम लगे उस दिन से ये मेरा बाहर पड़ा हुआ है और सारे यूज़ कर रहे हैं इसको। इसको लगाने से क्या होता है ना, एक तो हाइड्रेशन बहुत हो जाती है जेल बेस्ड वाले प्रोडक्ट्स में, और स्किन एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट कर देता है। आप देख सकते हो मेरी आर्म्स वगैरह मैं अच्छी तरह से, अब आप बोलते दी आपके हाथ पर इतने चमकते क्यों हैं, यार उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब लगाओ आप ऐसी चीज़ें, अगर आप अपनी स्किन को ड्राई रखोगे ना और ज़्यादा डिहाइड्रेट लगेगी, और ज़्यादा आपकी वाइट वाइट लाइंस लगेंगी, और जल्दी आपके फाइन लाइंस आने शुरू हो जाएंगे, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से स्किन होगी, बॉडी होगी, क्लीन करके उसको मॉइस्चराइज करो, तो समझ रहा उसकी मॉइस्चर लेवल आपकी स्किन में ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, स्किन केयर कॉम कर रही थी मैं, क्योंकि रात को कॉम करके ज़रूर सोया करो। जब आप अच्छे से कॉम कर लेते हो ना, ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज होता है तो अच्छा होता है उसके लिए। यार मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे चश्मे की ना एक डंडी तो निकल गई है, ये जो होती है वैसे आपको पता है चश्मा ये है लेंसकार्ट का है, ऑनलाइन मैंने ख़रीदा था, बहुत सही वाला चश्मा है ये इसकी पता नहीं क्या गम वगैरह निकल गई होगी, ब्लैक कलर की मिल गई थी, बट मुझे बाद में ये मेरे कपड़ों में ये मेरे उसमें कहीं पे गुम थी। मैंने थोड़ा सा उठी ना जब मैं अपनी जगह से, तो वहीं से मेरी जगह पे पड़ी हुई थी सोफे ये चेयर के ऊपर ही, तो बस मैं आपको वही ढूंढ रही थी। एंड या अब मैं अपने बालों को भी कॉम करूँगी, मुझे लग रहा था कहीं बालों में ना फंस गई हो, बट बालों में नहीं थी वो, मेरी चेयर पे गिर चुकी हुई थी। चलो फिर गाइस मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड ये वाले कर्टन्स आपको कैसे लगे प्लीज़ आप ज़रूर बताना। जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए ना सबके परचेज लिंक्स मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी सारे आपको ऑफर्स डिस्काउंट्स वगैरह पर्पल पे आते रहते हैं, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू।